Now here we will discuss about external genitalia of female reproductive system. यहाँ हम female reproductive system में external genitalia के बारे में study करेंगे. So the external genitalia are the accessory structure of the female reproductive system that are external to vagina. The external genitalia female reproductive system में accessory structures होते हैं जो कि vagina के बाहर की तरफ present होते हैं. The external genital organ of female include parts external to the vagina and are collectively called vulva. So external genital organ जो female का है इनमें जो parts हैं वो vagina के बाहर की तरफ present होते हैं and collectively इन्हें हम vulva कहते हैं. That is the covering or wrapping. Vulva means the covering or wrapping or also it is called as pudendum. इसे हम pudendum भी कहते हैं. एंड दे इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स. इनमें फॉलोइंग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, देन क्लाइटोरिस एंड ग्लैंड्स विद इन द वेस्टिब्यूल्स. सो सर्टेन पार्ट्स आर इंक्लूडेड हियर. नाउ फर्स्ट इज वेस्टिब्यूल. इट इज़ अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वुल्वा इनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग. सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वुल्वा. एंड वुल्वा के जो बीच का जो मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन होता है इसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं जिसमें कि दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है. दिस इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस वन इज़ वेजाइनल ओपनिंग. सो यू कैन सी हियर इन द वुल्वा ये जो बाहर की तरफ लिप लाइक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट दैट इज़ कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के अंदर एक फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा. सो लेबिया माइनोरा फाउंड इट इज़ मीडियल टू लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा. एंड लेबिया माइनोरा में ही बीच में फिल सी हियर डिप्रेशन इज प्रेजेंट. डिप्रेशन पोर्शन या जो स्पेस प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा में इसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं. और वेस्टिब्यूल में टू अपर्चर्स आर प्रेजेंट. So you can see here this one and here down this one. So two aperture present. The upper aperture that is external urethral orifice or urethral opening and lower aperture that is vaginal aperture or vaginal opening. Now you can see here in the vaginal aperture partially covered membrane is present that is called as hymen. So ये vaginal aperture में partially covered एक membrane present होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा. सो दीज आर अनदर पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स इनर टू लेबिया मेजोरा विद विच दे मर्ज पोस्टीरियरली टू फॉर्म द फोर चिटी वाइल टूवर्ड्स एंटीरियर एंड दे कन्वर्ज इनटू अ हुड लाइक कवरिंग अराउंड द क्लाइटोरिस. सो लेबिया माइनोरा ये एक थिन फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. हियर यू कैन सी इनर एंड आउटर लिप ऑफ वेजाइना. सो ये जो आउटर लिप है आउटर लिप सो दैट इज़ लेबिया मेजोरा एंड इनर लिप दैट इज़ लेबिया माइनोरा. सो लेबिया मेजोरा के अंदर ये थिन फोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं. सो ये जो फोल्ड है इनर फोल्ड लेबिया माइनोरा ये पोस्टीरियरली जब जॉइन होते हैं मर्ज होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं फोर चिटी. फोर चिटी इज़ व्हाट द थिन फोल्ड ऑफ स्किन एट द बैक ऑफ द वुल्वा. अभी ये पूरा वो पोर्शन वुल्वा है तो इसके बैक पोर्शन में जो थिन फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कि लेबिया मेजोरा का जब पोस्टीरियरली जब ये मर्ज होते हैं पीछे की तरफ तो ये फॉर्म करते हैं फोर चिटी. वाइल टूवर्ड्स द एंटीरियर एंड यू कैन सी ये आगे की तरफ एंटीरियर एंड के तरफ दे कन्वर्ज इनटू अ हुड लाइक कवरिंग. एक हुड जैसा कवरिंग फॉर्म करते हैं क्लाइटोरिस के सराउंडिंग में. दिस इज़ क्लाइटोरिस एंड क्लाइटोरिस के सराउंडिंग में उसके अराउंड एक हुड लाइक कवरिंग फॉर्म करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट लेबिया माइनोरा. सो लेबिया माइनोरा ये लेबिया मेजोरा के मीडियल वाला पोर्शन होता है. सो इट इज़ फाउंड मीडियल टू लेबिया मेजोरा. नाउ नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस. A small conical and sensitive projection lying at the anterior end of labia minora. So labia minora ये जो inner fold of skin है जो labia majora के अंदर की तरफ present है इसके ऊपर anterior end पर एक conical sensitive projection present होता है जिसे हम clitoris कहते हैं.
यस, सो इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा. ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस. इट हैज़ अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू द कॉर्पोरा कैवरनोसा एंड इज होमोलॉगस टू पेनिस. सो यहाँ पर वन पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवरनोसा, ये इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड ये पेनिस के होमोलॉगस होता है. सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पेनिस. वी कैन से ओरिजिन में दिस पार्ट इज सेम फॉर मेल एंड फीमेल. में ओरिजिन इनका सेम होता है. इन मेल्स द सेम पार्ट डेवलप इन टू पेनिस, वेर एज द सेम पार्ट डेवलप एज क्लाइटोरिस इन फीमेल. फीमेल में यही क्लाइटोरिस बनता है और मेल्स में यही पार्ट डेवलप होकर पेनिस बन जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. दीज आर अ पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वुल्वा. ये एक पेयर फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, दिस आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना, जो कि वुल्वा की बाउंड्री फॉर्म करते हैं. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज वुल्वा एंड उसकी जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं ये आउटर लिप लाइक फोल्ड, दिस इज लेबिया मेजोरा. दैट इज थिक फोल्ड ऑफ स्किन एंड दे आर होमोलॉगस टू स्क्रॉटम. ये मेल्स में जो स्क्रॉटम होता है उसका होमोलॉगस ऑर्गन है. सो इन मेल्स दिस लेबिया मेजोरा डेवलप्स इन टू स्क्रॉटम एंड इन फीमेल इट डेवलप इन टू लेबिया मेजोरा. सो देयर ओरिजिन इज सेम इन मेल एंड फीमेल. सो देयर डेवलप फ्रॉम द सेम पार्ट डेवलप इन टू लेबिया मेजोरा इन फीमेल एंड सेम पार्ट डेवलप इन टू स्क्रॉटम इन मेल्स. दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड इनक्लोज द यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल. सो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अदर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड सराउंड करते हैं. इनके जो भी इंटरनल अदर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड सराउंड करते हैं, उनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. एंड दे इनक्लोज द यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल. सो वेस्टिब्यूल में जो यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग है उनको भी इनक्लोज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस. सो इट इज़ अ फ्लैशी एलिवेशन अबव द लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा के ऊपर की तरफ जो फ्लैशी एलिवेशन पार्ट है इसी को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं. द मॉन्स प्यूबिस एंड आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा शोज प्यूबिक हेयर्स. सो मॉन्स प्यूबिस ये वाला एरिया एंड जो लेबिया मेजोरा ये जो आउटर लिप लाइक फोल्ड है इनका जो आउटर पार्ट है ये पूरे रीजन में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं. सो फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर. सो ये जो रीजन है ये क्या है, फैटी टिश्यू का रीजन है जो कि कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर से. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. नाउ लेट्स सी अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बैथुलिन्स ग्लैंड. इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड होमोलॉगस टू द बल्बो यूरेथ्रल और कॉपस ग्लैंड ऑफ द मेल. सो ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल्स में कॉपस या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के होमोलॉगस होते हैं. यस, सो सेम पार्ट डेवलप होता है मेल्स में कॉपस ग्लैंड में एंड फीमेल्स में यही डेवलप होता है वेस्टिब्यूलर या बैथुलिन्स ग्लैंड में. दे ओपन इन टू द वेस्टिब्यूल एंड रिलीज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. सो ये वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं एंड एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करते हैं. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर दिस इज वेजाइनल अपर्चर एंड एट द आइदर बोथ साइड ऑफ दिस वेजाइनल अपर्चर टू मोर ओपनिंग इज फाउंड. सो हियर यू कैन सी वेजाइनल अपर्चर के दोनों साइड में टू मोर ओपनिंग्स आर फाउंड एंड दैट ओपनिंग आर द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड. और ये जो ओपनिंग है ये बार्थोलिन्स ग्लैंड की ओपनिंग है. सो द डक्ट ऑफ द बार्थोलिन्स ग्लैंड एंड यहाँ से कुछ सिक्रीशन होता है एंड दिस सिक्रीशन न्यूट्रलाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एसिडिक. सो वेजाइनल अपर्चर के जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है ये एसिडिक होता है और इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है. सो ये वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स ओपन होते हैं वेस्टिब्यूल में एंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करते हैं जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है एंड जो इनका सिक्रीशन होता है ये वेजाइना के अंदर का जो इंटरनल एसिडिक एनवायरनमेंट है उनको न्यूट्रलाइज करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड एसेसरी और वेस्टिब्यूलर और बैर्थोलिन्स ग्लैंड.